আমরা এই মুহূর্তে পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছি আর কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টে এটা গরুবাথান আর গরুবাথানে যে নদীটা রয়েছে চ্যাল নদী সেই নদীর ধারে আমরা অনেকজন যুবাকে পেয়ে গেছি তারা গিটার হাতে নিয়ে গান গাইছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো আপনারা কি এখানে প্রায়ই জড়ো হন আমলোক প্রায় আমলোক আতে হ্যায় গাতে হ্যায় জ্যামআপ করতে হ্যায় यहाँ पे क्या दार्जिलिंग में गाना बहुत जरूरी है बहुत लोगों के पास देखा है किसी भी होटल में जाइए गिटार जरूर मिलता है हाँ क्योंकि यहाँ हम लोग गाना जैसे माँ का पेट से ही सीख के आते आया है ऐसे है सबका घर में गाना तो गाते हैं लोग क्योंकि अब देखिए यहाँ का जो नेचर है एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है तो इसीलिए अब यहाँ के यहाँ कोई भी आदमी आके कोई भी पीपल आके यहाँ गाना यहाँ अच्छा लगता है उन लोग का और यहाँ का आदमी भी जो यूथ है वो सब गाने में इंटरेस्ट रखते हैं कोरोना बढ़ चे दिन पर दिन कोनो मैसेज देते चाहिए बेन ये तो मैसेज तो हर कोई दे रहे है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर रहे तो हम लोग ये बोलने चाहेंगे कि जितने भी अब लीडर्स है अब एक साधारण आदमी है जो काम करना ही पड़ता है वो लोग को काम करना ही पड़ता है वो लोग फिर भी डर के काम कर रहे हैं अपना जीविका चलाने के लिए लेकिन जितने भी लीडर्स है अब एक इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन तो आएगा और जाएगा लेकिन आदमी रहेगा तब ना इलेक्शन में जीत के हम लोग जश्न मना सकते हैं ये इंजॉय कर सकते हैं नहीं तो इसीलिए हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे कि इलेक्शन आ रहे फिर भी हम लोग एक कोरोना को एक अच्छा से इसको टैकल करके इसको डिस्टेंस मेंटेन करके कोरोना को ना फैलाए और हम लोग सब सुरक्षित रहे और हम लोग देशवासी को भी बोलना चाहेंगे कि गोरखथान का यूथ के तरफ से ये म्यूजिक के तरफ से और हम लोग का तरफ से ये कहना चाहेंगे कि सब आप लोग कोरोना काल के समय बाहर ना निकले और सुरक्षित घर में बैठे और सबको अवेयर कीजिए और सुरक्षित रहिए আমরা চাইব কোনো গান শুনিয়ে আপনারা মেসেজটা একটা দিন গানটা শুরু করুন এনারা গান গেয়ে একটা মেসেজ দেবেন দার্জিলিংয়ের গান নেপালি গান সেটা পুরো পশ্চিমবাংলার জন্য পুরো দেশের জন্য এইখানকার ইউথ কি বোঝাতে চায় সেটা গানের মাধ্যমে আমরা গান শুনতে শুনতেই কথাও বলবো এখানে আরো একজন রয়েছেন আপনার নামটা বলবেন মাই নেম ইজ কারিশমা হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট গোর্খাল্যান্ড গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কি ভাবেন গোর্খাল্যান্ড হোনে সে হাম লোগ কে লিয়ে আচ্ছা হে হাম লোগ পাহাড়বাসী কে লিয়ে আচ্ছা হে অর হামারে জনতা অবি সব লোগ ইয়েই চা রহে হে কি গোর্খাল্যান্ড হো জায়ে অর হাম লোগ ফ্রি হো জায়ে আপ লোগোঁ কা জো নেতা লোগ হ্যায় ক্যা আপকো লাগতা হ্যায় ও সহি কাম কর রহে হ্যায় আপকা अच्छा हुआ है पिछले 20 सालों में 30 सालों में वो लोग अच्छा ही कर रहा है अभी तक भी कर देंगे और वी होप दैट कि वो लोग आगे जाकर भी अच्छा ही करें वो लोग कुछ डिसीजन ले रहे हैं वो लोग सोच कर कि हम लोग के लिए अच्छा हो तो हम लोग वो लोग के ऊपर भरोसा करते हैं कि आगे जाकर भी वो लोग अच्छे से डिसीजन ले একদম ঠিক আমরা আবার কথা বলে নেব লোকজনের সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আমরা এর আগেও কথা বলেছি তারা বলছে যদি এখানে স্কুল হয়ে যায় ভালো হসপিটাল হয়ে যায় সব সুবিধা হয়ে যায় তাহলে গোর্খাল্যান্ডের দরকার নেই
ये गोरखालैंड हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते डेवलपमेंट के साथ। ये डेवलपमेंट तो कहीं भी हो रहे होगा, होते जाएगा ये। लेकिन जो आइडेंटिटी क्राइसिस का बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी आके बोल रहे कि हम लोग नेपाल का है बोल रहे हैं, अरे हम लोग भूमि के साथ भारत में है। अभी देखिए एक बयान भी ऐसा आया कि हम लोग अब नेशनल लेवल का जो लीडर्स है वो लोग को पता नहीं है कि दार्जिलिंग कहाँ पे है, नेपाल का है बोल रहे हैं अब नेशनल लीडर्स। तो आज नेशनल लीडर्स ऐसे बोल रहे तो बाहर का जो कॉमन आदमी है वो लोग को तो पता नहीं है ना। तो नेशनल लीडर्स को भी हम लोग ये कहना चाहेंगे कि देखिए जब आप दार्जिलिंग में आएंगे तो दार्जिलिंग का इतिहास को आप पढ़कर आए, ताकि यहाँ का आदमी को फिर दोबारा आंदोलन करना ना पड़े। तो अभी क्या हो रहा है कि आंदोलन करते 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 हम लोग थक चुके हैं। तो ये बात नेशनल मीडिया ये सब में आ गए हैं, फिर भी आदमी ये समझ नहीं रहे कि पॉलिटिकल जो सोल्यूशन करना चाहिए दार्जिलिंग का, अब बाद में जाके ये फिर बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहेंगे कि डेवलपमेंट से हम लोग गोरखालैंड का जो बात है हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, कि हम लोग ये चाहेंगे कि बाद में जाके कोई भी एक डेवलपमेंट के साथ समझौता ना करे। हम लोग का जो इश्यू है यही बारे की डेवलपमेंट इश्यू आचे ना गोरखालैंड इश्यू आचे ये बार तो सब लोग क्या है कि डेवलपमेंट के तरफ चले गए पॉलिटिकल लीडर्स भी। तो पॉलिटिकल लीडर अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो तो बाद में पता चलेगा। कुछ बोल रहे थे ना बिल्कुल যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে গোর্খাল্যান্ড ছাড়াও এখানে ডেভেলপমেন্ট বড় ইস্যু আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার গানটা এখানকার জীবন। গান প্রত্যেক বাড়িতে হয় আর গিটার প্রত্যেক বাড়িতে পাওয়া যায়। আপনি দার্জিলিং চলে যান কালিম্পং চলে যান আর এটা সেটাই বোঝাতে চাইছে এরা ভারতীয়। যদি ন্যাশনাল লিডাররা মাঝে মাঝে যদি এটা বুঝতে না পারে তাহলে এটা এদের দুর্ভাগ্য ওদের দুর্ভাগ্য। কেন যে এই জায়গায় বসে এরা চাইছে যে এই জায়গায় বসে ভারতীয় হওয়াটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। ক্যামেরাম্যান তাপস বাইরির সঙ্গে অনুপম মিশ্র, আজ তক বাংলা, কালিম্পং। আজ তক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।